वेलकम टू एबीसी कैंपस आज हम बिजनेस लॉ में जो टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू उसके पास्ट एग्जाम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे तो पहले तो इस पर एमसीक्यूज नहीं सेट हुए लेकिन फिर आर्टम 2021 में एक एमसीक्यू है बिल्कुल उससे सिमिलर एम मॉडल पेपर में है और फिर दो एम जो हैं वो स्प्रिंग टू के अटैम्प में है तो इन फोर एम को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे

शकील हैज़ एड्रेसेस ऑफ बीटीज हेड ऑफिस एंड ऑल टेन एक्टिव टैनिंग स्टेशन जहां पे टैनिंग होती है अब दस में से कोई भी जगह हो सकती है शकील को क्या करना चाहिए नंबर वन इस सिनेरियो में जहां पर देखें प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है और दस डिफरेंट प्लेसेज हैं अगर एक ही टैनिंग स्टेशन होता तो बड़ा क्लियर था कि वहीं पर जो है डिलीवरी होनी चाहिए लेकिन वो क्योंकि सिनेरियो से नहीं समझ में आएगा कि कौन से वाले टैनिंग स्टेशन पर उन्हें कितनी क्वांटिटी चाहिए तो बेसिकली इन्हें चाहिए कि प्रोमिजी से पूछ लें यानी लॉ भी ये कहता है सेक्शन फोर्टी नाइन यही कहता है कि ऐसी सिचुएशन में अप्लाई करें टू द प्रोमी कि वो बताए कि कौन सी प्लेस पर उसको डिलीवरी चाहिए और फिर जो वो प्लेस बताए उसी पर डिलीवर करें तो हेड ऑफिस पर डिलीवर करना तो वैसे रीजनेबल नहीं होगा और क्योंकि टैनिंग स्टेशन भी ज्यादा हैं तो उनमें से भी कन्फर्म uh, नहीं है इसलिए पूछ लेना चाहिए अब ऑप्शंस देखते हैं कि क्या है डिलीवर हंड्रेड के जी ऑफ सॉल्ट टू ईच ऑफ बी टी टेनिंग स्टेशन ये तो इनअप्रोप्रिएट होगा उन्हें हो सकता है कि किसी एक जगह पर ही सारे का सारा सॉल्ट चाहिए वेट फॉर बासिम टू स्पेसिफाई द प्लेस वेयर ही वांट्स डिलीवरी जब डेट फिक्स है तो आप सिंपली उनसे पूछेंगे यहाँ पे जो प्रोमिजर की ओब्लिगेशन है कि वो अप्लाई करे फॉर द परफॉर्मेंस टू द प्रोमी की और उनसे पूछे कि जी बताएं कि कहाँ इसको करना है तो वो कम्युनिकेट करना जिम्मेदारी है तो वेट करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा थर्ड डिलीवर वन थाउजेंड के जी ऑफ सॉल्ट टू बीट इज हेड ऑफिस हेड ऑफिस तो प्रॉपर प्लेस नहीं है डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि आस्क बासिम टू कंफर्म प्लेस ऑफ डिलीवरी और जो वो प्लेस ऑफ डिलीवरी बताएं अकॉर्डिंगली वहीं पर डिलीवर कर दें तो वो प्रॉपर प्लेस कंसीडर की जाएगी मॉडल पेपर में क्वेश्चन है और यहां पर सिमिलर स्नैरियो है और यहां पर बस फर्क ये है कि हेड ऑफिस के साथ फाइव एक्टिव टैनिंग स्टेशन का जिक्र हुआ है तो सिंपली Uh, जो स्नैरियो बनता है वो ये बनता है कि जहाँ पे प्लेस ऑफ डिलीवरी स्पेसिफाई ना हुई हो और एक से ज़्यादा प्लेस ऑफ़ डिलीवरीज पॉसिबल हों तो ना ही आपको जो है सब जगह पे बराबर बराबर डिलीवर करने की ज़रूरत है क्योंकि ये तो ही बताएगा कि उनको कहाँ चीज़ चाहिए ना ही वेट करना अप्रोप्रिएट है ऑब्लीगेशन है कि प्रोमिज़र को पूछना चाहिए प्रोमिजी से कि कहाँ डिलीवरी चाहिए प्लेस पूछनी चाहिए और हेड ऑफिस अप्रोप्रिएट प्लेस नहीं है तो कम्युनिकेशन करनी है विद द प्रोमिजी यानी राशिद और उनसे प्लेस ऑफ डिलीवरी कंफर्म करें और उसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें और सॉल्ट को डिलीवर करें ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट है प्रोमिस विच फॉर्म द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर ये तो स्पेड फॉरवर्ड रेसिक प्रोकल प्रोमिस की डेफिनेशन है तो यही इसका आंसर होगा

और वो एक मैच के लिए हैं। जिसका मतलब है कि टाइम जो है वो एसेंस है जब टाइम एसेंस होता है तो जो प्रोमिजिंग है उसके ऊपर है कि वो परफॉर्मेंस डिलेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कर लें और वो अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं तो अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट

नहीं मस्ट एक्सेप्ट वाली कोई बात नहीं है द डिलीवरी एज डिले वॉज ड्यू टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी जो है वो इसमें राइज नहीं होती जो डिफ़िकल्टी हो जाना परफॉर्मेंस में या आपकी जो फैसिलिटीज़ का प्रॉपर ना रहना ये इम्पॉसिबिलिटी कंसिडर नहीं होती सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता तो अलग बात थी फैक्ट्री में आग लगना एक ऐसा इंसिडेंट नहीं है किसी और से बनवा लेते किसी महंगी जगह से बनवा लेते वो एक अलग काम होता तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा जलील कैन नॉट एक्सेप्ट द डिलीवरी बिकॉज टाइम वॉज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टाइम वाज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये बात ठीक है लेकिन वो एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी रिजेक्ट भी कर सकते हैं जलील कैन नॉट एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकेम वाइड कॉन्ट्रैक्ट कुड हैव बिकम वाइड इफ ई रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज वो वाइड नहीं होगा तो वाइडेबल स्पेसिफिकली है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है यही हमारा सही आंसर होगा दैट्स ऑल फॉर टूडेव अ गुड डे